हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमेशा की तरह, ये जो हमारा कंटेंट है, ये एक एम आई का 9A9 है, 9 मॉडल है। ये हमारे स्टूडेंट या हमारे सब्सक्राइबर का है, जो कि हम उसको ऑनलाइन भी आकर के हेल्प कर देते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम में आते हैं, अगर उनके साथ नहीं हो पाता है तो हम कर देते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट का है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको लाइव सपोर्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए, इसके हम एम आई कौन हटाएंगे बिना किसी डोंगल से। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसको हम बिना किसी टूल के करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें एमआई अकाउंट लगा हुआ है। तो चलिए इसके एमआई अकाउंट को हटाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें, तो ये हमने क्या किया हुआ है कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने यहाँ पे टीम वीवर पे उनको सपोर्ट के लिए लिया हुआ है। पहले मैं अनलॉक टूल से इसकी अनलॉकिंग करूंगा, देखता हूँ कि अनलॉक टूल से यहाँ पे इसकी अनलॉकिंग होती है कि नहीं होती है फ्रेंड। तो हम इसको देखते हैं कि अनलॉक टूल से हमारा ये अनलॉक होता है कि नहीं होता है। तो हमने पहले अनलॉक टूल से ट्राई किया है। जो हमने यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम था, हमने यहाँ पे उनको देख सकते हैं कि टीम वीवर के द्वारा हमने उनको कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए, सारा चीज़ कनेक्ट हो चुका है। हमने अनलॉक टूल पे गए। हम ऐसा नहीं कहते कि अनलॉक टूल बेकार है, अनलॉक टूल बहुत ही बेस्ट है। कुछ मॉडल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के कारण भी एरर हो सकता है। बाकी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अनलॉक टूल्स होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया था पहले कि विदाउट किसी भी डोंगल पे। तो फ्रेंड, ये थोड़ा सा आप देख लो कि हमारा ये काम करता भी है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे सारी चीजें कि हमारा ये कनेक्ट होता भी है कि नहीं होता है फ्रेंड। तो इसीलिए हमने सारी चीजें यहाँ पे ली हुई थी। अब हम फोन को करेंगे कनेक्ट, कराएंगे फ्रेंड। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे सब्सक्राइब स्टूडेंट है, वो फोन को कनेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब ये देखते हैं कि प्रोसेस हमारा अनलॉक टूल से होता है कि नहीं होता है। तो ये जाहिर सी बात है, देखिए फोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि सब कुछ ओके ओके, यहाँ पे ओके डन हो गया, सब कुछ ओके हो गया, पर फैल हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल सेलेक्ट किया था 9, और यहाँ पे हमारा फैल हो चुका है। तो अब इसे हम कर देंगे मिनिमाइज। अब उसके बाद हम फिर से फोन को आपको दोबारा रिकनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि एक बार हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एसपी फ्लैश टूल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डीए, ये जो फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगी तो हमें आप पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे अब हमें फाइल सेलेक्ट करना है, इसकी अनलॉक वाली फाइल, क्योंकि यहाँ पे टूल में कोई भी यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन टूल यूज कर रहे हैं ओनली, बाकी बॉक्स या डोंगल मैंने कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बाईपास ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टूल यूज नहीं हो रहा है, डोंगल यूज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा बाईपास ही है। तो चलिए, टूल जो है एसपी फ्लैश टूल है, फ्री का है। आप यहाँ पे आपको फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे मैनुअली फॉर्मेट में जाना है। ये कोड है, ये आपको कोड मिल जाता है फाइल में ही। सारा पैकेज है इसका, डीए और ये सारा पैकेज आपको मिल जाता है फाइल के अंदर। एफआरपी हटानी है, एफआरपी फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट, और यहाँ पे एमआई अकाउंट हटाना तो अकाउंट। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देंगे फ्रेंड, जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हम फर्स्ट वाले पे पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट कर दिया। ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं सपोर्ट के माध्यम से भी, और एक कंटेंट के भी माध्यम से। ऐसे ही आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक, मैंने सेकंड को भी किया, और यहाँ पे जाकर के कॉपी और कर देंगे पेस्ट फ्रेंड, जैसा कि आपको दिखाई दे जाए। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट फ्रेंड। हाँ, अब इसको करना क्या है, सिंपल, फोन को हमें कनेक्ट करने से पहले एमसीटी टूल का भी यूज करना है। तो हम एमसीटी टूल भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे तीन चीज चाहिए होता है, एमसीटी टूल और यहाँ पे एसपी फ्लैश टूल। एमसीटी टूल हमारे ऑथ को बाईपास करेगा, हमारे पोर्ट को स्टेबल करेगा। तो हम यहाँ पे एमसीटी टूल का भी यूज करने वाले हैं। तो एमसीटी टूल हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, और एमसीटी टूल को हम यहाँ पे खोल लेंगे। ये हमारे स्टूडेंट का है, स्टूडेंट पे ये सारी चीजें वहाँ पे चल रही हैं। ये टीम वीवर के थ्रू, आप यहाँ पे देखोगे नीचे, अगर आपको दिखाई देगा तो टीम वीवर के थ्रू ये हमारा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देखिए एमसीटी बाईपास टूल को ओपन करेंगे। एमसीटी बाईपास टूल को ओपन करने के बाद फोन को हमें कनेक्ट करना है। फोन को कैसे कनेक्ट होगा, वैल्यूम अप डाउन करके आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यूम अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करना है। तो वेट करते हैं, और ये थोड़ा सा अभी खुल जाएगा। यहाँ पे हमारा ये स्टेप, ये देखिए पीछे हमारा एमसीटी टूल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बाईपास पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मीडिया टेक ड्राइवर होने चाहिए,
ये सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे फोन हमने बाईपास पे क्लिक किया और अबेलो अप डाउन दबा करके उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। अब सिंपल और सिंपल हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आपका हो जाएगा। सब प्रोसेस आपको देख ही लिया है, अगर आप फिर से देखना चाहें तो वापस जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा डन कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखेंगे सिस्टम में ले जाकर के, अब हम मोबाइल के थ्रू भी देखेंगे कि वहाँ पे हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और ये आप देख सकते हो फोन को उन्होंने रिस्टार्ट कर रहा है, रिस्टार्ट किया हुआ है। बैटरी को एक बार आप निकाल लें बिल्कुल ही और लगा लें और देखते हैं कि फाइनली हमारा ये काम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे फोन ऑन हो रहा है। मेन हमारा एम आई अकाउंट था, एम आई अकाउंट के बाद एफ आर पी भी लग सकती है। तो सेम मेथड से आप इसकी एफ आर पी भी रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करना है तो आप आई बटन में जाइए और यहाँ पे आपको बाईपास की भी इसकी वीडियो बिना किसी डोंगल, यहाँ तो चलो एस पी फ्लैश टूल हुआ है, वहाँ पे आप बिना एस पी फ्लैश टूल के भी इसकी एफ आर पी बाईपास देख सकते हो। तो फाइनली चलिए अभी हो जाएगा कम्प्लीटली हमारा फ्रेंड, ये देखिए ऑन हो चुका है। जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो यहाँ से दोबारा एम आई अकाउंट लग जाता है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एम आई अकाउंट नहीं लगा है बिल्कुल भी, और बहुत ही इजीली तरीके से हमारा अनलॉक हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा है। तो इन तक आपको हम दिखा देते हैं कि फ़ोन प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं होता है। बट फ्रेंड्स अगर ये वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको ये नए नए ट्रिक्स और सारी डिटेल के साथ आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो ये तो सारी चीज़ें हैं स्कैम, क्योंकि वाईफाई भी यहाँ पे एफ आर पी भी लग जाएगा, तो उन्होंने एफ आर पी को बाईपास कर दिया था। फिर मैंने उनसे बोला था कि एंड में आपको लास्ट एंड थोड़ा फोल फोल करके आप उसको दिखाइएगा। तो एफ आर पी बाईपास में भी बहुत बहुत बड़ा नहीं है, आप उसको एफ आर पी बाईपास देखना है तो आई बटन में जा करके आप इसकी एफ आर पी की बाईपास देख सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो फाइनली अब ये ऑन हो जाएगा और ऑन हो जाने के बाद हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फ्रेंड कि प्रॉपर, बाकी एम आई अकाउंट तो हमारा हट चुका है, जो हमारा मेन मोटिव था चैनल का मेन मोटिव था बाईपास एम आई अकाउंट बाईपास, तो वो तो बहुत इजीली तरीके से रिमूव हो गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये देखिए कम्प्लीटली यहाँ पे जस्ट नाउ अभी फोन ऑन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा फाइनली तौर से अगर हम बात करें तो हमारी जो इसमें एम आई अकाउंट थी वो रिमूव हो चुकी है और फोन भी हमारा प्रॉपर तरीके से भी स्टार्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं अभी कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को जहाँ तक हो सके वहाँ तक सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। सेटअप तो फाइनल सेटअप हमने दिखाया है, ये वही का है, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ये वही फ़ोन है और फेक वीडियो मैं अपने चैनल में बिल्कुल भी नहीं डालता हूँ फ्रेंड। तो आप अपने वीडियो को लास्ट तक देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी ये फाइनली ऑन हो जाएगा और ये देखिए फाइनली ऑन हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।